हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ होता है, ये प्रोफेशनल अकाउंट जिनका जिनका होता है उनके अकाउंट में ये फीचर होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे ये है, हमारे में लिखा हुआ है 11 के अकाउंट्स रिजेक्टेड इन द 30 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट में ये आ रहा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है, और जिसका जिसका प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट होता है केवल उन्हें ही ये वाला जो फीचर है वो मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमें ये वाला फ़ीचर मिल चुका है। और अगर आप लोग के भी इंस्टाग्राम अकाउंट में यहाँ पर कुछ नंबर्स यहाँ पर शो हो रहा है, और वहाँ पे बोला जा रहा है कि अकाउंट्स रिजेक्टेड इन द 30 लास्ट 30 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग कोई भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड उसके बाद जो है अगर आप लोग का कोई भी रील्स पोस्ट होता है, या फिर कोई भी पोस्ट वगैरह, कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट होता है आपके इस इंस्टाग्राम आईडी पे, तो वो जो है जितने लोगों तक विजिट होती है, जितने लोगों तक पहुँचती है वो, और उसके बाद जो है जो भी लोग आपके आईडी से मतलब आईडी पे जो विज़िट करते हैं उनका नंबर से यहाँ पे काउंट होकर शो होता है, ठीक है। जैसे लास्ट 30 डेज़ में यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ पे इतना नंबर जो है दिखा रहा है, मतलब इतने लोगों ने, 11,000 लोगों ने हमारे आईडी पे जो है विज़िट किया है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर शो होता है। ये काउंट ऐसे होता है, अगर आप लोग कोई भी रील्स पोस्ट करते हैं उससे ये जो है, जैसे आपने कोई भी रील्स पोस्ट करा तो रील्स में आपका जो फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह जो भी पोस्ट होगा वो जाएगा लोगों तक। तो जो जो भी आप लोग का रील्स देखेंगे तो उनका तो मतलब कि आपका जो है आईडी है वो भी शो होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे नंबर्स को कलेक्ट करके बताता है, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप लोग इसको लेके कन्फ्यूज थे तो आई होप आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सो इस तरीके से यह काम करता है, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही था, और अगर आप लोग कोई छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की और भी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।